सो गाइस, आप सभी जानते होंगे कि कागज़ कैसे बनता है। आपको पता होगा कि कागज़ वुड से बनता है, लकड़ी से कागज़ बनता है। लेकिन गाइस, क्या आपने कभी कागज़ को बनते हुए देखा है? तो चलिए मैं आपको कागज़ को बनते हुए दिखाता हूँ और उसके बारे में कुछ फैक्ट्स बताता हूँ, तो आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। थोड़ी प्रोसेस की जाती है, वुड को काटा जाता है, जिससे कि हम उसको वुड को बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन कर देते हैं, और उसको मशीन में वुड के जो थोड़े पीसीज होते हैं छोटे छोटे, उनको क्लीन किया जाता है। फिर उनसे जो बिस्किट्स बनते हैं वुड के, उनको बनाया जाता है। फिर उसको अच्छी तरह रोस्ट किया जाता है, मतलब डाइजेस्ट किया जाता है। तो फिर उससे आप देख सकते हैं मशीन्स में इनको बिल्कुल उबाल दिया जाता है। और गाइस, एक कागज़ बनाने के लिए आप लोगों को पता ही होगा, पहले वुड को अच्छी तरह उनको क्लीन करना होता है। उसके सारे गंदे भी जो मटेरियल्स होते हैं, उसके एसिड्स जो भी, मतलब इंसेक्ट्स वगैरह बैठते रहते हैं हर एक पेड़ पर, उनको सब कुछ जो है अलग करना होता है। तो गाइस, इधर आप लोग देख सकते हैं, इन्होंने बिल्कुल अच्छे से इनको अलग कर दिया, बिल्कुल क्लीन कर दिया है। देख सकते हैं आप लोग, गुर्दा सा निकल के आ गया है। अब इसको पल्प बोलते हैं, इसका जो वुड का पल्प होता है। तो वह इस पल्प के बाद भी जो है उसके अंदर इतनी ज़्यादा सफाई नहीं आती है, तो उसको ब्लीच मिलाकर और ज़्यादा साफ़ किया जाता है उसको, मतलब थोड़ा सॉफ्ट बनाया जाता है, जिससे कि हमारा अच्छा कागज़ बन सकता है। तो फिर वो वर्कर के द्वारा बिल्कुल चेक किया जाता है अच्छे से। देख सकते हैं आप लोग, ये पीस निकाल के चेक कर रहा है उसको। तो गाइस, फिर वो एक पतला सा मटेरियल बन जाता है। तो इस सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक पेपर बनाने वाली मशीन की, जो उसको बिल्कुल मतलब स्टिंच करके उसको पेपर को वो कन्वर्ट कर देती है। और गाइस, मैं आपको बता दूँ, 1 किलो पेपर बनाने के लिए 100 लीटर पानी का इस्तेमाल हो जाता है। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ, पानी तो यार एक मतलब ऐसा सोर्स है नेचुरल, जो हर एक चीज़ में यूज़ होता है, तो पेपर बनाने में भी पानी का यूज़ होता है। तो गाइस, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पानी को वेस्ट ना कीजिए। तो चलिए देखते हैं पेपर कैसे बनता है। तो देख सकते हैं आप लोग, लिक्विड टाइप मटेरियल उन्होंने बना लिया है। अब इसको मशीन के अंदर डालेंगे और ज़्यादा पानी इसके अंदर मिक्स किया जाता है। तो फिर जो पेपर बनाने वाली मशीन होती है, उसका तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इसके अंदर, क्योंकि मशीन के ऊपर बिल्कुल अपना जो मटेरियल होता है उसको गिरा देते हैं, मतलब जो पानी ऐड करने के बाद उसको जो मिक्सचर बनता है उसको गिरा देते हैं। फिर ये जो है सारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है पेपर बनने के लिए। तो गाइस, इससे ही वो कुछ भी बना सकते हैं, मतलब ये जो मशीन्स होती है इनका ही सबसे ज़्यादा वर्क होता है। इनको चलाने के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे मतलब पढ़े लिखे जो अच्छे वर्कर्स होते हैं उनको लिया जाता है। कई ये कंपनियां जो भी पेपर बनाती है वो अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं, बुरी क्वालिटी के भी होते हैं। तो गाइस, वो डिपेंड करता है आपके वुड पे कि आप कितना अच्छा, मतलब लकड़ी कितनी अच्छी है आपकी, कितने अच्छा मतलब आपने उसको क्लीन किया है ब्लीच मिक्स करके, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स भी उसके अंदर मिक्स किए जाते हैं उसको अच्छी तरह क्लीन करने के लिए। आपने देखा होगा कई जो नोटबुक्स होती है उनके अंदर रफ़ पेजेस होते हैं, और कई अच्छी क्वालिटी की होती है जो फटती भी नहीं है, मतलब काफ़ी अच्छा उसका क्वालिटी का पेपर होता है। अपने रफ़ नोटबुक्स भी देखी होंगी, उनका कलर जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है। फिर गाइस, बनने के बाद उसको पेपर को पन्नी में पैक करके मशीनों द्वारा उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो उनको आप ये न्यूज़पेपर में बनाने में भी यूज़फुल होती है, और अलग अलग चीज़ें बनाने में यूज़फुल हो जाती है, जैसे मैगजीन्स वगैरह। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना।